हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बना रही हूँ कपकेक्स, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी बनते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा सॉफ्ट एंड फ्लफी है ये। तो आइए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। एक बोल में हम एक कप ऑल पर्पस फ्लावर, हाफ कप पाउडर शुगर, 1 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टेबल स्पून ऑफ बेकिंग सोडा, इस सब को अच्छे से हम छान लेंगे। एक दूसरे बोल में हम 1/4 कप ऑफ कर्ड, 1/4 कप ऑफ ऑयल, 1 टेबल स्पून ऑफ विनेगर और 1 टेबल स्पून ऑफ वनीला एसेंस को मिक्स करेंगे 1 मिनट तक। इसमें हम अपना जो हमने मैदा का मिक्सचर बनाया था उसको बैचेस में डालेंगे। हम इसको 2 से 3 बैचेस में डालेंगे, हम एक साथ नहीं डालेंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि कोई भी इसमें लम्स ना पड़े। अब हम इसका दूसरा बैच डालेंगे। हम इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही ज्यादा थिक है, इसकी कंसिस्टेंसी को मैनेज करने के लिए हम 1/3 कप मिल्क डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम इसमें टूटी फ्रूटी डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1/2 कप टूटी फ्रूटी लिया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें टूटी फ्रूटी डाल सकते हैं। हम इन्हें मोल्ड्स में डाल देंगे। जो भी आपका मोल्ड साइज है उसको आप 1/2 फिल करिए। और अब हम इसको 180 डिग्री प्री हीटेड ओवन में 20 मिनट्स तक बेक करेंगे। बेक होने के बाद हम इसमें एक नाइफ या टूथपिक की हेल्प से इंसर्ट करके देखेंगे कि स्टिक तो नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नाइफ हमारा क्लीन है, मींस ये परफेक्टली बेक हो चुके हैं और आपके कपकेक्स रेडी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।